सावन के महीने की शुरुआत कल यानी कि 25 जुलाई से हो चुकी है और आज सावन का पहला सोमवार है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर पर मौजूद हैं और हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह श्रद्धालु जो हैं यहां पर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। और सुबह सुबह का वक्त है, सुबह से ही गौरी शंकर मंदिर के बाहर भारी भरकम भीड़ जो है वो देखने को मिल सकती है। और इस वक्त हम आपको बता दें कि सोमवार का जो दिन है वो विशेष रूप से भगवान शिव का दिन माना जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उन पर भगवान शिव जो है वो विशेष रूप से अपनी कृपा जो है वो कृपा होती है, विशेष रूप से कृपा उन सभी श्रद्धालुओं पर भगवान शिव जो है वो करते हैं। और उसी के साथ साथ देखिए इस वक्त हम मंदिर के अंदर हैं और हम आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ कल अनलॉक फेज 8 के तहत काफ़ी और छूट जो है राजधानी दिल्ली के लोगों को मिली है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी जो तमाम रिलीजियस साइट्स हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वहां पर अभी भी लोगों को एकजुट होने की मनाही है। इसीलिए मंदिर में आप देख सकते हैं कि बाहर अगर हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएंगे तो वहां पर लोगों की भारी भरकम भीड़ है, लेकिन फिर भी फेस तरीके से लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है। सभी लोग इस वक्त आपको मास्क पहने हुए नज़र आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर बच्चे भी जो आए हुए हैं उनको भी मास्क जो है वो लगाया हुआ है, हालांकि मास्क मुंह से थोड़ा नीचे है, लेकिन ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो है कोरोना काल में सावन के पहले सोमवार को देखने को मिल रही हैं। और यहां पर जो तमाम श्रद्धालु आए हुए हैं वो हाथ में बेलपत्र लिए, फूल लिए, दूध लिए और गंगा जल लिए यहाँ पर शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं। तो यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु, एक बार उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बाहर चलकर आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर बाहर जब हम चलेंगे तो देखिए यहाँ पर मंदिर के जो तमाम पुजारी हैं उनका ये कहना है कि फेस तरीके से अंदर जो है वो लोगों को छोड़ा जा रहा है। तो जो बाहर लोग मौजूद हैं एक बार उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सावन का आज पहला सोमवार है तो लोग जो हैं वो क्या उम्मीद रखते हैं सावन के पहले सोमवार से। और मैम क्या नाम है आपका? सुमन गुप्ता। सुमन जी, आज सावन का पहला सोमवार है तो क्या मांग रही हैं भगवान शिव से? एक तो इस संसार का चारा जो कोरोना है ये कट जाए और सबको सद्बुद्धि दे और समृद्धि दे, सबको सबका दे दे, सारे कष्ट कट जाए सबके। और कोरोना काल भी चल रहा है, हम जैसे देख रहे हैं सभी लोग मास्क पहने हुए हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि मतलब भीड़ भड़ाके में आना जो है खतरा भी हो सकता है? वो भी ठीक है, पर एक प्रभु की आस्था है, वो सबको निवारण करेंगे, उसका उसमें जो आस्था है वो सबकी संकट हरेंगे। यहाँ पर आस्था भाव से सभी लोग जो हैं पहुँचे हुए हैं। मंदिर के बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ तक नज़रें जाएंगी वहाँ तक आपको लोगों की लाइन लगी हुई जो है वो नज़र आएगी। आज सावन का पहला सोमवार है और जैसे कि हमने आपको बताया कि सोमवार जो है वो भगवान शिव का दिन होता है और उसकी मान्यता जो है बहुत ज़्यादा होती है और सभी लोग जो हैं भगवान शिव को इस दिन जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ देखिए फूल बेलपत्र जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ से खरीद कर अंदर जो है चढ़ावा करने के लिए यहीं से ख़रीदारी करेंगे। कमल का फूल भी जो है इस वक्त आपको नज़र आएगा, तरह तरह के फूल हैं यहाँ पर। उसी के साथ साथ बेलपत्र जो है, बेलपत्र के साथ साथ दूध का भी चढ़ावा किया जाता है, गंगा जल का, और जितने भी सात्विक अन्न होते हैं उन सात्विक अन्न को जो है यहाँ पर उसका चढ़ावा किया जाता है। देखिए पीछे लाल किला आपको नज़र आएगा और दूर दूर तक लंबी लाइन जो है आपको यहाँ पर नज़र आएगी, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी याद रखना है कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में अभी 8वां चरण अनलॉक का जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी डर जो है, जो खतरा है वो मंडरा रहा है। काफ़ी सारे लोग हमें नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन उसी के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। सावन महीने का आज पहला सोमवार है और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर पर मौजूद हैं। हमारे पीछे श्रद्धालुओं की लाइन इस वक्त आपको नज़र आ जाएगी जो सुबह सुबह गौरी शंकर मंदिर पर आस्था भाव से पहुँचे हैं प्रसाद चढ़ाने।
पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग आपको मास्क पहने हुए नजर आ जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए नजर नहीं आएंगे। ये जो लड़कियाँ सामने, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? साक्षी। साक्षी, अभी आप हमको देख कर ही मास्क क्यों चढ़ा रही हैं? पहले क्यों नहीं लगाया हुआ? गर्मी लग रही है। लेकिन अभी हमने देखा था ना कि कैसे इतने सारे धार्मिक स्थल जो हैं अपने आप में कोरोना हॉटस्पॉट बन गए, तो पहनना नहीं चाहिए मास्क आप सभी ने? आपने भी नहीं पहना? गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। लेकिन कोरोना हो जाएगा तो फिर गर्मी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें या कोरोना ज़्यादा बेहतर है? गर्मी बर्दाश्त कर लें। तो पहन लो फिर मास्क, पहन लो। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम लोग इस वक्त आपको नज़र आएंगे, आज सावन का पहला सोमवार है। सोमवार का दिन जो है वो भगवान शिव का दिन माना जाता है और मान्यता यही है कि जो भी सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं उनकी जो मनोकामनाएँ हैं वो भगवान शिव पूरी करते हैं। और यहाँ पर इसी श्रद्धा भाव से जो तमाम श्रद्धालु हैं सुबह सुबह पहुँचे हैं, हाथों में प्रसाद लिए, फूल लिए, बेलपत्र लिए और सात्विक अन्न का चढ़ावा जो है वो इस वक्त गौरीशंकर मंदिर के अंदर जाकर करेंगे। लेकिन हम ये भी आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ दिल्ली में अनलॉक का 8वां चरण चल रहा है और सरकार ने काफ़ी ज़्यादा रियायतें जो है वो लोगों को दे दी हैं, काफ़ी ज़्यादा छूट जो है वो लोगों को दे दी है, लेकिन अभी भी जो तमाम धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर किसी भी तरीके का एकजुट होना लोगों का मना है क्योंकि वो अपने आप में कोरोना का हॉटस्पॉट भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, आप जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी ये लाइन जो है लाल किले के सामने जो रोड है वहाँ तक जाती है। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे हुए हैं। श्रद्धा भाव एक तरफ है लेकिन कोरोना का खतरा भी एक तरफ है और हम ये नहीं भूल सकते कि तीसरी लहर का खतरा जो है वो लगातार देश और राजधानी दिल्ली पर मंडरा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे तमाम श्रद्धालु जो हैं वो फूल खरीद रहे हैं अलग अलग टोकरियों में, लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किया जा रहा है चढ़ावा और लोग जो है यहाँ से खरीद कर मंदिर में जाके चढ़ावा कर रहे हैं। लेकिन लगातार यही सवाल जो है कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि मंदिर के अंदर जो लोगों को जाने दिया जा रहा है, ग्रुप्स में जाने दिया जा रहा है, लेकिन मंदिर के बाहर की तस्वीरें कुछ ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जो है वो उमड़ रही है जो कि अपने आप में कोरोना का खतरा जो है कहीं ना कहीं बढ़ा देती है। कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ सुरभि काके, बीपी न्यूज़ दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।